वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समद्रभम् निर्विघ्नं सुमेधेः सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश विसर्जन यानी बप्पा का दिन। श्री गणेश जी की विदाई को गणेश विसर्जन कहा जाता है। जब गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी पर स्थापित किए जाते हैं तब उसके 10वें दिन बाद गणेश विसर्जन की रस्म निभाकर उन्हें अपने घर कैलाश की यात्रा के लिए विदाई की जाती है। कहते हैं कि बप्पा का विसर्जन यह कहते हुए करना चाहिए कि बप्पा अगले बरस आप फिर आना और अपना असीम आशीर्वाद हम सबको देकर जाना। जिस तरह घर पर गणपति की स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है, उसी प्रकार बप्पा के विसर्जन के लिए भी शुभ मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। इस बार 19 सितंबर अनंत चतुर्दशी है, यानी कि बप्पा को विदाई देने का दिन है। इसकी पूजा विधि बहुत ही खास होती है और बहुत महत्व है अनंत चतुर्दशी की पूजा का। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी व्रत रखते हैं उन्हें प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान को साफ करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान की प्रिय वस्तुओं का भोग अर्पण करना चाहिए, जिसमें पीले फूल मिठाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। भगवान के चरणों में अनंत सूत्र समर्पित करना चाहिए। इसके बाद उस रक्षा सूत्र को खुद ही धारण करना चाहिए। जो लोग इस दिन गणपति का विसर्जन करते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त में गणपति को अगले साल वापस आने की प्रार्थना करते हुए विदा करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इसकी कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने की मन में ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास मिला। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई।
ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सबों ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाले डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी ना रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब वे सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। ऋषि कौंडिन्य ने पश्चाताप से उद्विग्न हो गए और उससे डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा सुनने के बाद जो भी अनंत सूत्र बांधते समय मंत्र पढ़ के इस व्रत को करता है, उसके सभी दुख दारिद्र्य मिट जाते हैं और वो धन धान्य से भरपूर हो जाता है।